नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। विदेश राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, भारत जब जब कमजोर पड़ा है उस पर विदेशी हमले हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने रामदास कॉलेज में हुए घटनाक्रम पर सोमवार को कहा कि देश जब जब कमजोर पड़ा है उस पर विदेशी हमले हुए हैं। कारगिल युद्ध में मारे गए सैनिक की पुत्री और लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा गुरमेहर कौर के इस बयान पर कि उसके पिता को पाकिस्तान ने नहीं बल्कि युद्ध ने मारा है, रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि वह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बच्ची के दिमाग में ऐसा जहर कौन भर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन जब जब देश कमजोर पड़ा है उस पर हमले हुए हैं। गृह राज्य मंत्री ने रामदास कॉलेज में लगे देश विरोधी नारों के संदर्भ में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भारत में आजादी चाहिए, लेकिन उन्हें उन लोगों की आवाज भी सुननी चाहिए जो पड़ोसी देशों में अत्याचार सहने के बाद भारत में आकर शरण लेते हैं। ये बातें इस बात का संकेत है कि भारत में स्थितियां पड़ोसी देशों से ज्यादा बेहतर है। इसी मामले में भाजपा सांसद प्रताप सिंह ने इस विवाद को और हवा दे दी है। मैसूर से सांसद सिंह ने गुरमेहर की तुलना दाऊद इब्राहिम से करते हुए चित्र ट्वीट किया है। इस ट्वीट में दाऊद के फोटो पर लिखा है पुलिस कर्मी का बेटा, जबकि गुरमेहर की फोटो पर शहीद की बेटी लिखा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामदास कॉलेज में हुई हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन प्राप्त है और हिंसा संघ परिवार के खून में है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि विद्यार्थी परिषद हर जगह लोगों और छात्रों को डराने धमकाने का प्रयास कर रही है। देश के सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसी हिंसा हो रही है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। आईएसआईएस से जुड़े दोनों आतंकियों ने राजकोट अदालत में कबूला गुनाह, 10 मार्च तक पुलिस रिमांड पर। सीआरपीएफ के निवर्तमान डीजी दुर्गा प्रसाद ने कहा, कश्मीर में हालात संवेदनशील लेकिन पहले से बेहतर। मोदी ने कहा, हम चुनावी तिकड़म करने वाले लोग नहीं, सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला, कहा भगवा पार्टी ने झूठे सपने दिखाए, जनता सावधान रहे। इंदौर की अदालत में सफदर नागौरी समेत सिमी के 11 आतंकवादियों को उम्र कैद। ये थे तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.dunia.com। नमस्कार।